तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं मून के बारे में, जो कि मून वाइप लेआउट ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज़ों में सेम है और थोड़ा अलग अलग है। और फिलहाल मेरा माइक चोरी हो चुका है, अब याद आया जीजस फ्लिप के बाद। तो इसे कुछ अलग अलग नामों से लिया जाता है, तो मैं अपनी तरफ से मैं मून बोलता हूँ, तो मुझे हमेशा से आदत मेरी मून की है, तो बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो स्टेप नंबर वन, आपकी राउंड ऑफ की बैक फ्लिप की हाइट, और आपकी बैक मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर आपकी बैक फ्लिप में हाइट रहेगी तो आपको घूमने में आसानी रहेगी, बिकॉज यहाँ पर अपने लेग को सीधे के सीधे ही रखना है, टक नहीं करना कहीं पर भी। सो एक राउंड ऑफ बैक फ्लिप तो होगी, सबसे पहले आपकी नॉर्मल राउंड ऑफ बैक फ्लिप, थोड़ी हाइट चलेगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको बिना टक वाली बैक फ्लिप करना है, राउंड ऑफ लेना है, लेग्स को क्लोज नहीं करना, क्लोज हो या फिर ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको टक नहीं करना, अपने पैरों को पकड़ना नहीं है। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे घूमना है। स्टेप नंबर टू, अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको राउंड ऑफ लेना है, जब आपने यहाँ से पकड़ना छोड़ दिया है तो आपको ट्राई करना है कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे सीधा करना है, अपने नीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने नीज़ को सीधा करना है हर फ्लिप में, ट्राई करना राउंड ऑफ लेना, अपने नीज़ को सीधा करना और घूमना। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बिगड़ेगा, बस ट्राई करते रहना कि नीज़ को सीधा रखे और वैसे के वैसे ही घूमे। तो आपको ट्राई करते रहना कि अपने नीज़ को फोल्ड नहीं करना है और बॉडी को सीधा करते करते लेके लैंड करना है। स्टार्टिंग आपकी इसी तरीके से होगी, तो कीप प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर आर्च नहीं आती तो आपको आर्च करनी पड़ेगी, आर्च आती तो आपको इस फ्लिप के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज आर्च में क्या है, तो आर्च में क्या है, जब भी आप मून करोगे तो मून में सिर्फ आपको आर्च ही करना है, बैक फ्लिप में जाते जाते पूरा आर्च करना है, फुल आर्च। तो ट्राई करिए कि अपने आर्च करिए, नीज़ को फोल्ड नहीं करना है और पूरा आर्च करना है, अपनी बैक फ्लिप की हाइट ऊपर ली और अपना आर्च स्टार्ट करा, और आर्च करते 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 आपको नीज़ फोल्ड नहीं करना है जैसे कि नॉर्मली होता है, और आर्च करते करते अपनी बॉडी को पूरा कर्व करते हुए लैंड करना है।